गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्षेत्रमिति जिसमें गोला संबंधी, बेलन संबंधी, शंकु संबंधी जो भी ठोस आकृति है उसका क्षेत्रफल, उसका उससे संबंधित हम लोग हिसाब आज देखेंगे, मैथ देखेंगे, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कोई बार ये हल्का मचाया है हिसाब। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड में यदि 100 नंबर लाना है तो पहले कौन BTBC बुक को पूर्णतः एकदम बना लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी से आता ही है। अब देख लीजिए प्रत्येक साल के क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव अभ्यास के लिए अन्य बुक आप बनाइए। तो एक्सरसाइज 13.3 का 6 नंबर क्वेश्चन, अब प्यारे बच्चों एक चीज जानिए, बनाने के पहले जो मैं बदला रहा हूं उसके पहले उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के समझिए, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, कहता है कि एक चांदी का सिक्का है जिसका त्रिज्या 1.75 है और मोटाई इसका कितना 2 सेंटीमीटर है। चांदी के सिक्का का मोटाई कितना, सिक्का देखे ना है, उसकी मोटाई कितना है, मात्र 2 सेंटीमीटर है, यहां जो फिगर में हम बताए हैं, है ना, तो इतना है। तो कहता है कि उतना बनाना है, तो एक आयताकार घनाभाकार कहो धातु है, एक घनाभाकार धातु है, इसी को पिघला कर करके, ध्यान दीजिए, वाह, पिघला कर करके क्या बनाया जाएगा, इसको पिघला करके चांदी के सिक्का ऐसा ऐसा बनाना है, तो कितना सिक्का बनेगा। अब ये समझ सकते हैं कि कितना आसान है पिघला करके बनाने वाला। मैंने पहले भी बताया था कि जो पिघला करके बनाया जाएगा तो जिससे बनाया जाएगा उसका आयतन ज्ञात कर दीजिए, और बटा जो वस्तु बनाया जाएगा उससे भाग दीजिए, संख्या निकल जाएगा, यही तो है। तो पहले चांदी के सिक्का जो बनेगा उसका आयतन निकाल दीजिए, चांदी के सिक्का का आयतन बराबर, तो सिक्का कैसा, भले मोटाई बहुत कम हो लेकिन बेलनाकार होगा, है ना, नहीं तो उसको 10 सिक्का को जोड़ के देख लीजिए, 20 सिक्का को जोड़ के देख लीजिए, एकदम लंबा ऐसे बेलनाकार हो जाएगा। तो पतला रहने से यह नहीं कि कहेंगे वो वृत्ताकार है, वो भी बेलनाकार है, भले उसका मोटाई मात्र 2 मिलीमीटर हो। तो प्यारे बच्चों वही मिलीमीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया, क्योंकि मोटाई 2 मिलीमीटर था, तो 2 मिलीमीटर को कितना 10 से भाग देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो आपने पढ़ा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितना है 1.7 by 200, कैसे 10 बालों को देखिए उड़ा दी, उड़ाए तो 200 हो गया, फिर ये 10 बालों को भी उड़ाए बटा 200 हो गया। तो मुझे कहना है त्रिज्या कितना है, त्रिज्या इतना इतना व्यास है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए पढ़िए, ध्यान दीजिए, व्यास आपका 1.75 था, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, R = 1.75/2 हो जाएगा। तो इसको उड़ाए, इसको हटाए तो कर बदले में 2 0 नीचे बैठ गया, इसीलिए इतना आया, याद रखिए, मैंने 175/200 कैसे आया आपको मैंने यहां समझा दिया, समझ रहे हैं कि नहीं, कैसे आया। तो ये त्रिज्या आर स्क्वायर मैंने 2 बार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है
2 मिलीमीटर, तो उसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दे दिया, तो इतना सेंटीमीटर, और इसको हल्का काट दिए। अब भरपाइए नहीं, कैसे काटे भाई, ध्यान दीजिएगा, 11 दूनी 22, आइए 100 से कट गए, 2 से काटे तो 100 हो गया, फिर 2 से काटे तो 100 हो गया, बात समझ लीजिए। तो आपका उतना सेंटीमीटर क्यों है ना, इतना सेंटीमीटर क्यों ना भी काटेंगे तो चलेगा भी, और जिसको पिघला करके बनाना है, जिसको पिघला करके बनाना है, तो घनाभाकार धातु, इस तरह के जो घनाभाकार धातु था उसका आयतन LBH, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो सिंपल है, तो 5.5 लंबाई था तो 10 कर दिए, फिर इसको भी 10 बलो को देखिए, ये 10 बलो उड़ा दिए, यहाँ फिर भी 10 बलो था तो उड़ा कर करके नीचे कैसे 10 बलो हटाने के लिए नीचे 10 कर दिए, इसको 10 से 10 कट गया, और यहाँ कट गया 5 से, 11 5 55, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 दूनी 10, ये इसको काट दिया गया। अब प्यारे बच्चों देख लीजिए, अब सीखो के संख्या बराबर इतना सेंटीमीटर क्यों है, इतना सेंटीमीटर, अभी गुना ना कर लिए, हालांकि आप गुना भी कर सकते हैं, इसको सबको गुना करके, अभी गुना करके भाग दे दीजिए, लेकिन फिर कटबे करेगा तो क्यों हम गुना करने जाएं, क्या करें, सीधे चांदी की संख्या बराबर, चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर, चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर, क्या करेंगे, जो आयताकार भाग था, एक घनाभाकार धातु था, उसका आयतन बटा एक सिक्का का आयतन, तो देखिए इसका आयतन कितना बच गया था, 11 into कितना बोलिए, 35/2 यही बचा था, अब बटा इसका आयतन, कोची का आयतन, चांदी के सिक्का का आयतन, तो कितना, 11 into 175 है ना, अब बटा 100 जो था ऊपर आ गया, ये भी 100 ऊपर आ गया, ये भी 10 ऊपर हो गया, भाग उलट के गुना, अब 22/7 एगो 7 ये बचल था तो भाग उलट के गुना हो गया, अब समझ लीजिएगा। तो अब इसको काट दिया गया, 11 से 11 कट गया, और आप काट दिए, देखिए कैसे काट दिए, अब देख लीजिए 5 से काटे 5 का 20, अब 50/25 हो गया, ठीक है, 50/25 हम लोग काट दिए, और फिर 5 का इसको काट दिया गया, 25 का 100 हो गया, 25 का 100, और ये 2 से 2 कट गया था, ऊपर बचा कितना, और ये जो आपको 11/ ये इससे जो आया था, प्यार बच्चों अब समझिएगा, ये कैसे कट गया था, एकरा से ये कट गया था, 25/175, ऊपर बचा क्या, ये भी कट गया था, आपको बचा कौन, बचा 4 और कितना गुने 100, तो कितना हो गया, 400 सिक्का, कोई दिक्कत, कितना सिक्का, 400, एकदम आसान है ना, क्या मैंने कहा सिक्कों की संख्या निकालने के लिए, मैंने एकदम थीम उसका एकदम छोटा रूप समझिए, केवल आप घनाकार चांदी का, जो घनाभाकार चांदी के धातु का बना जो धातु था उसका आयतन निकाल कर करके अब सिक्का के आयतन से भाग दे, डायरेक्ट करेंगे तो भी बन जाएगा पिघला करके बनाने वाले में, तो इस तरह से 400 सिक्का आपको आ गया, कोई दिक्कत। अब प्यारे बच्चों समझिए, एक 7वां नंबर क्वेश्चन पहले 2 बार 3 बार पहले देख लीजिए, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बाल्टी है जिसका ऊंचाई कितना है, एक बाल्टी है जिसका ऊंचाई कितना है, 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना, 18 सेंटीमीटर, इसमें बालू भर दिया गया और इस बालू को धरती पर ऐसे उलेर दिया गया और उसको इस तरह से ऐसे बना दिया गया शंक्वाकार, किसे बना दिया गया, शंक्वाकार बना दिया गया, तो शंक्वाकार बना दिया गया,
तो उसका कहता है कि शंक्वाकार बनाया गया तो उसको कितना ऊंचा के बनाया गया, 24 सेंटीमीटर ऊंचा बना दिया गया। शंक्वाकार बनाया गया तो 24 सेंटीमीटर ऊंचा बनाया गया, तो बताएं कि उसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी। तिरछी ऊंचाई ही होता ना है, तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। वो भी ठीक उसी तरह से है, अरे जो बाल्टी में पानी बालू था या रेत था, वही रेत जमीन पर उल्टा गया, तो बल्टी में भरा रेत बराबर जमीन पर उल्टा रेत का आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो पहले देखिए कि बल्टी बेलनाकार बल्टी का रेत का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बार बार कह रहा हूं कि उसको फार्मूला आप पहले याद कर लीजिए और तब हिसाब बनाने के लिए बैठिए प्यारे बच्चों। अगर फार्मूला आपको याद है तो निश्चित रूप से बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर कितना है 18 के स्क्वायर, अब एच कितना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज आप देखे होंगे, मैं डायरेक्ट गुना नहीं करता हूं क्योंकि गुना करने में समय लगता है, आप गुना कर भी सकते हैं, मैं जो कहते हूं यहां पर लिख दिया। और मान लिया जाए कि शंक्वाकार रेत का त्रिज्या आर है, न मालूम है ना, तो आर मान लिया, त्रिज्या आर है, पहले आर निकालेंगे तब ना एल निकलेगा। तो पहले ये देखना है कि क्या निकालना है ना, तो एल निकालने के लिए आपको आर चाहिए, तो एक सेकंड, तो इसका आयतन निकालिए। तो शंक्वाकार रेत का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर न मालूम है तो जो कहते हो, और ऊंचाई कितना है 24 है, तो ऊंचाई 24 मैंने कर दिया सेंटीमीटर की। अब एक काम करिए, अब समझ लीजिए, शंक्वाकार रेत का आयतन बराबर बेलनाकार रेत का आयतन, दोनों का आयतन सेम होगा क्योंकि जो रेत था वही रेत उलट दिया गया, बल्टी के रखा रेत को उलट दिया गया और उसको कैसा बना दिया गया, शंक्वाकार बनाया गया। तो शंक्वाकार रेत का आयतन आप पहले ही से लिखे थे, शंक्वाकार रेत का आयतन आपको कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 24 वही थी, और इधर बेलनाकार रेत का आयतन आपने ऊपर लिख दिया था है ना, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 32। अब देख लीजिए यहाँ पे बच्चों, आर स्क्वायर को केवल इधर छोड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर को केवल यही छोड़ रहा है, तो इधर आ गया तो पाई आर स्क्वायर मैंने 18 × 18 और 32 ये हो गया, और 1/3 भी आएगा इधर, तो देखिए भाग में तो गुना में हो गया 3 और 24 गुना में है तो नीचे आ गया भाग में है ना, अब काट दिया गया पाई से पाई तो कट जाएगा, और 8 × 8 = 24 तो पहले ये कम करिए, 6 से काटे तो 6 × 18 6 × 4 = 24 और 8 × 4 = 32 8 हो गया। ऊपर आप गुना कर दीजिए, देखिए 3 × 18 × 8 × 3 है ना, तो ये जो है आर स्क्वायर था, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया ना, तो मैंने डायरेक्ट गुना करके भी वर्गमूल निकाल सकते थे, लेकिन सीधे क्या किया गया, इसको गुणनखंड विधि से कर दिया गया, 3 × 3 हो गया और 18 है ई वाला 3 आ गया, अब फिर ई 3 मैंने लिख दिया दो बार, आई 18 × 2 × 9 लिख दिया, अब 8 × 2 × 4 लिख दिया, जिससे आपको वर्गमूल निकालने में आसान हो गुणनखंड विधि से, जोड़ रहा है तो 1 × 3 लिख दिया और 9 × 3 लिख दिया, और ये 2 × 2 है ना, तो 2 × 2 और ये 4 मैंने 2 × 2 = 4 और 4 × 16 = 4 अर्थात 3 × 3 = 9 और 9 × 4 = 36 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, या गुना करके भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे आप समझ रहे तो ठीक है ना, जोड़ा वाला तो जानते ही हैं गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए। तो इस विधि से हमारा कितना आ गया 36 सेंटीमीटर आर के मान, अर्थात शंकु के त्रिज्या मालूम हो गया। प्यारे बच्चों आप शंकु के जानते हैं, मैंने पहले भी सूत्र में बताया था कि शंकु का त्रिज्या मालूम हो, ऊंचाई मालूम हो, तो अगर एल मालूम करना है तो क्या सूत्र पढ़े थे, तो एल इक्वल टू आपने पढ़ा था क्या चीज, एल इक्वल टू √r² + h² ये समझिए कि समकोण त्रिभुज है, तो एल निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के सूत्र पर है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर,
तो आर का मान कितना 36 केस हुआ, अब प्लस एच का मान कितना 24 केस हुआ। देखिए ना भैया, आर कितना है 36 और एच 24, तो 36 के स्क्वायर का मतलब कितना 1296 और 24 के स्क्वायर का मतलब 576। दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 1872 रहता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। ये होगा गुणनखंड करिएगा 12 × 12 × 13 होता है, 12 × 12 × 13, तो 12 तो जोड़ा है तो इसलिए बाहर निकल गया, 13 अंदर रह गया। इतना सेंटीमीटर आपको हो गया तिरछी ऊंचाई। प्यारे बच्चों, तिरछी ऊंचाई हम लोग समझ गए, इतना सेंटीमीटर आ गया तिरछी ऊंचाई। अब क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए प्यारे बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक नहर है, मान लीजिए कि यह नहर है, इससे पानी प्रवाहित हो रहा है। तो नहर कह रहा है कि नहर से पानी, माने पूरा बड़ा नहर है, माने एकदम ये जो है पूरा नहर से पानी जो है इसे प्रवाहित, एक बात मैं बता रहा हूँ, तो नहर के ये जो है चौड़ाई देवल है कितना 6 मीटर और ऊंचाई देवल है कितना 1.5 मीटर। ऊंचाई कितना देवल है 1.5 मीटर देवल है। अब पानी जो प्रवाह हो रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पानी प्रवाह हो रहा है, कैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो एक घंटा में पानी कितना दूरी तय करेगा, एक घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो कहता है, क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, कहता है कि 30 मिनट में वह कितना जमीन को या खेत के भूमि को सिंचित करेगा, पटाएगा। तो 30 मिनट में प्रवाहित पानी का आयतन बराबर, तो 30 मिनट में प्रवाहित पानी का आयतन, 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। एक प्यारे बच्चों, एक घंटा में कितना करता है 10, तो 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, 1/2 आधा हो जाएगा, मैंने 5 किलोमीटर, मैंने 500 मीटर। तो 500 मीटर के मतलब पानी जितना, मैंने 500 मीटर तक पानी, 500 मीटर लंबा पानी और चौड़ा 6 मीटर, चौड़ा 6 मीटर, ऊंचा 1.5 मीटर। तो यह क्या हो गया, यह एक घनाभाकार हो गया, यह क्या हो गया, एक घनाभाकार हो गया। तो इस इसका आयतन बराबर, तो उसी को मैंने लिखा कि नहर द्वारा 30 मिनट में प्रवाहित पानी का आयतन बराबर है ना, 30 मिनट में तय की गई दूरी निकाल दिए, 1/2 कर करके इंटू 10 काट करके, मैंने 5 किलोमीटर, मैंने 500 मीटर, वही मैंने कहा था। और नहर द्वारा 30 मिनट में प्रवाहित पानी का आयतन, तो पानी का तो लंबाई जानिएगा, लंबाई कितना 500, 30 मिनट में 500 मीटर पानी गया ना भाई, और लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना था 6 और गुने ऊंचाई 1.5 हो गया ना, तो बराबर 45,000 m³ पानी, इतना कितना 45,000 m³ पानी कहाँ गया, खेत में चल गया है ना, पटवन के लिए। तो कहता है कि पटवन जो हो रहा है, सिंचाई जो हो रहा है, कितना गहरा पानी चाहिए, माने खेत में कितना लबालब भरना चाहिए, कितना गहरा चाहिए, तो कहता है कि उसकी गहराई 8 सेंटीमीटर चाहिए सब खेत में। तो कितना क्षेत्रफल, वह मैंने बतलाया कि नहर द्वारा आधे घंटा में प्रवाहित पानी का आयतन बराबर खेत में पहुंचे पानी का आयतन, दोनों बराबर होगा। और कितना ऊंचा ऊपर पानी चाहिए, मैंने बताया कि खेत में जो है पानी चाहिए 8 सेंटीमीटर ऊंचा चाहिए, माने गहरा चाहिए है ना, तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, क्योंकि इनके सब मीटर में है, तो इसको भी मीटर में मैंने बदल दिया। तो मैंने बताया कि खेत में पहुंचे पानी का आयतन बराबर नहर से प्रवाहित पानी का आयतन, तो खेत में पहुंचे पानी का आयतन कैसे, कोई भी चीज का, चाहे ईंटा का हो, ईंट का हो, या घर का हो, रूम का हो, कोई भी समान रूप से ऊपर ऊंचा रहे,
समान रूप से ऊपर ऊंचा रहे उसका आयतन निकालने के लिए आधार के क्षेत्रफल निकाल के ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। आधार का क्षेत्रफल निकाल के ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, निकल जाता है कि नहीं। जैसे देखिए, अगर ईंट के निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई से गुणा कर दिए तो आपका आ गया ईंट का हो गया कि नहीं हुआ। बेलन का क्या करिएगा, नीचे का क्षेत्रफल निकाल दीजिए पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई से गुणा कर लीजिए तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह से खेत को भी मैंने किया, आधार का क्षेत्रफल मैंने इसको खेत के लिए क्या किया कि खेत का क्षेत्रफल मैंने लंबाई गुने चौड़ाई और गुने गहराई आयतन बराबर एक तरीका लग रहा है। खेत का क्षेत्रफल मैंने लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई बराबर नहर द्वारा प्रवाहित पानी का आपको आयतन मालूम है कितना है। अब कितना निकाले थे 45,000 मीटर क्यूब, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर गहराई इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो गहराई कितना था 8/100, 100 भाग रेट के गुना ऊपर काट दिया गया तो 200 कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मैंने 22,500 में 25 से मैंने गुना कर दिया तो आपका आ गया 56,62,500 मीटर। इतना मीटर स्क्वायर, इतना क्या चीज है मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अगर इसको हेक्टेयर में बदलते हैं, हेक्टेयर में भी आप इसको बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हेक्टेयर में आप इसको नहीं बदल सकते हैं। तो हेक्टेयर में बदलने के लिए आप कितना से 1000 से भाग दे दीजिए, कितना से भाग दे देंगे 1000 से भाग दे देंगे तो 1000 से भाग देने पर कितना आपका हेक्टेयर आ जाएगा 56 हेक्टेयर है ना। कितना मैंने कितना से भाग दिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 याद रखिएगा 10,000 मीटर क्यूब बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 10,000 मीटर क्यूब बराबर 1 हेक्टेयर, इसीलिए मैंने 10,000 से क्या कर दिया भाग दे दिया तो 56.25 हेक्टेयर हुआ। तो ये इस तरह से हम समझ गए। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए 9 बीटीपीसी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि पानी, अब इसको बढ़िया से समझिए, कहता है अभी इसको पहले यहां हम समझा रहे हैं। एक नहर से नल लगाया गया और एक खेत में टंकी है, तो टंकी जो है 2 मीटर ऊंचा और 10 मीटर व्यास वाला टंकी बनाया गया। टंकी जो बनाया गया 10 मीटर व्यास वाला है और 2 मीटर ऊंचा है ना। तो ये टंकी बनाया गया, उसको नहर से एक पाइप लगाया गया, तो पाइप जो नहर से पाइप लगाया गया तो उस पाइप का क्या चीज है व्यास कितना है, पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर है। पाइप का व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये जो पाइप का त्रिज्या जो हो गया आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहता है कि इन नल में जो पानी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो कितना समय में इसको भर देगा, अर्थात कितना व्यास वाला आदि त्रिज्या वाला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के पाइप से कितने घंटे पानी प्रवाहित होगा कि टंकी यह पूरा पूरा भर जाएगी। अब समझिए इसके लिए मैंने क्या कहा कि यहां आप देखिए, मैंने उसे पानी का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पानी चल रहा है, अर्थात मैंने 3000 मीटर प्रति घंटा, 3000 मीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर को मीटर में बदल दिया तो 3000 मीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में प्रवाहित पानी का आयतन, तो 1 घंटा में कितना
3000 लंबा पाइप जाएगा, 3000 लंबा पाइप में पानी भरेगा, तो लंबाई 3 तो इसको पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के मान 22/7, आर के मान 10 × 10, तो नीचे मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए, 100 से भाग दे दिए, देखे रहे हैं 10/100 × 10/100, क्योंकि मीटर में इसको बदले, सेंटीमीटर बना था मीटर में बदल दिया, गुने 3000 क्यों कर दिया, क्योंकि एक घंटा तक पाइप से पानी गया, तो एक घंटा तक पाइप में जो पानी भरा उस उतना लंबाई हो गया, तो क्या चीज पाई आर स्क्वायर एच है ना, बराबर इसको काटने के बाद हमारा 30 पाई मीटर क्यूब आया, 30 पाई मीटर क्यूब पानी, यहां पर समझ लीजिए इतना पानी आपका हो गया, अब समझिए उतना एक घंटा में भरेगा, एक घंटा में पानी जाएगा, तो अब ये टंकी जो बनाया गया, किसान जो टंकी बनाया है, तो टंकी में कितना पानी आटेगा ये पहले ज्ञात कर लीजिए, तो टंकी का आयतन बराबर वही बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पाई के जो का त्यों दे दिए, पाई दे दिए, और आर 5 है, तो 5² × h² 2, तो 25 × 50 π·m³। अब समझ सकते हैं, तो अब मान लिया जाए, माना कि एक घंटा में टंकी भर जाती है, इसे एक घंटा पाइप द्वारा पानी इस टंकी में गिरेगी, तो वह क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, है ना टंकी, तो अब देखिए कि एक घंटा में प्रवाहित पानी का आयतन कितना, घंटा में एक घंटा में प्रवाहित पानी के आयतन बराबर टंकी का है, टंकी का आयतन या टंकी में पानी की आयतन, टंकी में पानी का आयतन, पानी का आयतन दोनों बराबर होगा, तो एक घंटा में कितना प्रवाहित होता है पानी, कितना 30 π·m हम लोग लिखे थे, 30 π लिखे ना है, कितना पाई 30 π·m³, एक घंटा में पाइप द्वारा, तो एक घंटा में कितना हो जाएगा, एक घंटा में कितना हो जाएगा, एक से गुना कर दिए, एक इंटू 30 π बराबर टंकी का आयतन 50 π, तो एक बराबर कितना, ये इधर चलाएगा, तो कितना हो गया 30 π कट जाएगा, तो कटेगा तो कैसे काट दीजिएगा, माने 10 से काटेगा तो 10 × 50 और 10 × 30 माने 5/3 घंटा, तो घंटा को मिनट में भी बदल सकते हैं, 5/3 × 60 बराबर 100 मिनट, तो 100 मिनट को अगर बदलेंगे तो एक घंटा और कितना 60, तो 40 बज गया ना, 40 मिनट हो गए मिनट, आंसर जैसे भी आप बना सकते हैं वैसे बन जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, परंतु इसको ठीक ढंग से समझना होगा, अगर ठीक ढंग से आप समझते हैं तो टोटल बना देंगे, है ना, उसको पहले इस वीडियो को देखने के पहले, इसको पढ़ने के पहले पहले फार्मूला याद करिए, और जो मैथ आप देख रहे हैं उसका क्वेश्चन दो बार पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।